वियर सतार अहमन वियर मैं अभी आपको अपनी हाबी बता रहा हूँ हर बंदे की एक हाबी होती है तो घर में वो छोटी मोटी वो अपनी हाबी उसने रखी होती है तो मैं आज आपको अपनी हाबी के बारे में बता रहा हूँ और ये वियर ये देखें ये मैंने सब्ज़ी लगाई हुई है ये असल में मेरा घर है जो वर्कशॉप से कुछ फासले पे है दो तीन मिनट के फासले पे है और ये मैं आपको घर ये आप देखें ये मेरा घर ये ये मेरा घर है और ये आगे आपको ये सैन आपका नज़र आ रहा है और ये सैन है और ये मैं आपको बताऊं कि इसी सैन के अंदर मैंने ये ये देखें यहाँ से मैंने सब्जी स्टार्ट की है ये देखें और ये इस तरह करके तो ये देखें आप ये सारी आपको क्यारियाँ बनी हुई नज़र आ रही हैं ये एक बात मैं आपको बताऊँ नीचे यहाँ पे पत्थर है ये मैंने बहुत बड़ी दीवार लगाई है और उसके ऊपर पत्थरों की भराई करके उसके ऊपर मट्टी डाल के तो फिर मैंने ये सब्ज़ी लगाई है तो मैं आपको ये देखाऊँ ये देखें ये आपको पुदीना नज़र आ रहा है और उसके बाद ये टमाटर शुरू हो जाते हैं और साथ ही आपको ये बैंगन नज़र आ रहे हैं अभी ये सारे पौधे जो हैं छोटे हैं अभी फल फूल लगे हुए हैं और कुछ कुछ फल भी दे रहे हैं और कुछ जो है अभी फूल लगे ये सर्द इलाका हमारा यहाँ पे ज़रा देर से ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं तो ये देखें ये टमाटर हैं और ये सारे बैंगन और फिर ये आगे, आगे आपको बेलें नज़र आ रही हैं तो ये कद्दू की बेलें और आगे से ये दरख्त है उसके ऊपर हमने चढ़ाई हुई है और इस साइड पर आप देखें तो ये भी आपको ये टमाटर के हरे भरे आपको ये सारे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें टमाटर जो है वो लग चुके हैं और कुछ मैं आपको बताता हूँ करीब से तो ये देखें ये आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं इसमें ये देखें और ये कुछ पके हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं ये देखें तो ये जो हैं ये ये सारे टमाटर और इस साइड पे ये देखें ये दूसरी क्यारी पे ये साथ ये मिर्चें लगाई हैं अभी छोटी हैं और अभी इन्होंने बढ़ना शुरू किया है तो ये छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं तो वियर मैं आपको एक बात बताऊं कि हाबी हर बंदे की एक ज़रूर होती है मशक्ला ज़रूर होना भी चाहिए लेकिन वो हाबी ऐसी है जो फ़ायदा मंद हो बाद लोग ऐसी हाबी रखते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता मसलन तस्वीरें जमा करना सिक्के जमा करना या इस तरह की चीज़ें तो उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन ये सब्ज़ी वगैरह लगाना ये बड़ा फ़ायदा होता है एक तो ताज़ा सब्ज़ियाँ आपको मिलती हैं अपने घर की सब्जियाँ और आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाता है वगैरह मैं आपको बताऊँ मेरे पास बहुत कम टाइम होता है यानी मैं आप यूँ समझें कि मैं सुबह सात बजे से लेकर रात के दस बजे तक बिज़ी होता हूँ तो इस हबी के लिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ लेकिन चूंकि मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का तो इसलिए मैं टाइम कहीं ना कहीं से निकाल ही देता हूँ और ये आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है हमारे जो बेड़ा है हमारा सेन है सेन में आपको ये अखरोट का दरख्त नज़र आ रहा है तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा है ये दरख्त मैं आपको थोड़ा दूर से इसका व्यू करवाता हूँ तो ये देखें तो ये देखें ये अखरोट का दरख्त है जो मेरे सेन में है और ये मेरा सारा सन आपको नज़र आ रहा है और उसके एंड पे सब्ज़ियाँ आपको नज़र आ रही है और ये पानी का नलका है जहाँ से हम इन सब्जियों को भी पानी देते हैं और साथ ये मेरा जो ये ऐसे मैंने पौधे लगाए हुए और ये बिल्कुल घर के सामने और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ये दरिया से पत्थर ला के ये गोल गोल जो नाले के पत्थर होते हैं दरिया के पत्थर होते हैं तो वो ला के तो उसके ऐसे जोड़ के उनके अंदर मैंने सिमट डाल दिया और ये एक नई चीज़ बन गई है ये देखें आप करीब से भी आप देख सकते हैं तो ये दरियाई पत्थर है जो हम उठा के तकरीबन दस किलोमीटर दूर से हमने थैले भर के हमने लाया था और फिर हमने ये बनाया है एक ये पौधा आपका नज़र आ रहा है बहुत प्यारा पौधा है और ये सारा सहन आपने देख लिया मेरा घर भी आपने देख लिया और सब्जियां उगा ये वीडियो अपलोड करने का मेरा मकसद ये है कि आप भी अपने घर में अपने लेंटर के ऊपर या थोड़ी सी भी जगह आपको जहां मिले तो आप सब्जियां उगा के तो आप ताज़ा सब्जियां आप ले सकते हैं और अपनी बचत भी कर सकते हैं वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया वीर अल्लाह हाफिज़